हेलो अमिगोस। तो आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ विंसर एंड न्यूटन विंटन ऑयल कलर्स। वैसे तो ये कलर्स मेड इन फ्रांस है, बट इसकी कंपनी लंदन में है, जो कि 1832 में बनाई गई थी, फाउंड हुई थी, मतलब जिसको ऑलमोस्ट 190 ईयर्स हो गए हैं। सो इतना टाइम हो गया है कंपनी को, तो लाजमी है कि प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। सो चलिए जल्दी से हम इसकी पहले पैकिंग अनबॉक्स करते हैं, फिर इसके बाद में हम देखते हैं सारी चीज़ों को। आई गेस पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी डिफरेंट कलर है, जिस पैकिंग और ट्यूब्स है वह काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं। सो टोटल 6 शेड्स है आपको यहाँ पर, जैसे रेड, येलो, ऑकर येलो एंड ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन। तो इतने ही शेड्स आपको यहाँ दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ट्यूब्स हैं, पैकिंग इनकी काफ़ी बेहतर है, जो कि नॉर्मल ट्यूब से काफ़ी अच्छा है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको मेड इन फ्रांस, बाय करते टाइम पे आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी फेक भी आते हैं जो कि मेड इन चाइना होते हैं। सो प्लीज़ जब भी आप इसके लेंगे तो आपको लेते टाइम इसको पहले देखना है। सो चलिए अभी हम हमारे कलर्स टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कलर्स को कैनवास पर निकाल देंगे और फिर इसके बाद में हम इनकी टेस्टिंग करेंगे। सो जैसे देख रहे हैं आपकी इनके पिगमेंट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम टेस्ट करना हमारी येलो कलर को। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ तो बहुत स्मूथ कलर है, लग नहीं रहा है मुझको कि मैं ऑयल कलर कर रहा हूँ। सेकेंड बारी आते हैं यहाँ पर ब्राउन कलर की। आपने देखा होगा कि जब भी आप ऑयल कलर करते हो तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है स्टार्टिंग में। आपको उसको क्या करना पड़ता है कि आपको पहले ऑयल मिलाना पड़ता है, फिर वो स्मूथ होता है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि उनके जो पिगमेंट्स हैं बहुत शानदार हैं, बहुत ही ब्राइट है, बहुत अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया उनका, जो इसलिए इसकी प्राइस इतनी अच्छी है। अब हम क्या करते हैं कि हम उनको मिक्स करके देखते हैं कि मिक्स करने के बाद का क्या रिज़ल्ट होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे रिव्यू करूँ या फिर मैं कौन सी पेंटिंग बनाऊँ। थैंक यू सो मच।